लोग असी वोटा दे दे के आप मंगते बन गए इन्हां लोगों सरमाएदार बनाया। चोणा होणगियां इह समाज किसे पार्टी नूं वोट दे के राजा नहीं बनाऊगा। इन्हां दा महंगाई भत्ता दिता जाए, इन्हां नूं DA दिता जाए। ये असी पंजाब दी सरकार तो सेंटर दी सरकार तो ये मंग करते हैं। डेली काम कर डेली इन्हां नूं काम दिता जाए तो रेगुलर करके इन्हां नूं घट तो घट भी 15,000 रुपया जिहड़ा अज दी महंगाई दे हिसाब नाल इन्हां नूं जिहड़ी आ तनखाह दित्ती जाए। भगवान वाल्मीकि तीर्थ अंबरसर तो संस्था चलती आ आदिवासी गुरु ज्ञान नाथ पूरन संघर्ष दल जी पूरे देश चलती आदे तो मैं पूरे पंजाब घूम रहा कि जिथे सानू लगता है क्योंकि पंजाब के अंदर यहोजे घपले यहोजे हालात हो जाते कई सरपंच जड़े आजरिया किसी रिश्तेदार दियाँ ला ला के ते कम साडा समाज करता है तो पैसे वह कढ़ा रहे। इस करके मैं पूरे पंजाब दे विच पंजाब दा आदिवासी गुरु ज्ञान नाथ पूरन संघर्ष दल का सूबा प्रधान होने के नाते मैं पूरे पंजाब दे अंदर जिहड़ा घूम रहा भी साडे समाज नाल कितें धक्का तां नहीं हो रहा, कम साडा समाज कर रहा ते पैसे सरपंचां दे रिश्तेदार कढ़ा रहे आ। पिछे मुक्तसर दा हुणे तुसीं उह वीडियो आई जांदे आ। इस करके मेरी वाल्मीकि तीर्थ तो जिहड़ी उह ड्यूटी आ भी मैं आपदे समाज नाल कोई धक्का कोई ना इंसाफी साडे समाज में नहीं होनी देनी। दूजी असी मंग रखी हुई है कि जो पंजाब की सरकार सेंटर की सरकार जेड़ा इन्हां नूं 90 दिन का काम दे रही है एक साल दे विच, पर असी कहने बई इन्हां नूं जेड़ा है भावें 15,000 रुपया पर महीना एक कार्ड होल्डर नूं दिता जाए लेकिन इन्हां नूं रेगुलर किया जाए। जिस तरह नहरां ते पक्के बेलदार सी, जिस तरह सड़कां ते पक्के बेलदार सी, जिस तरह म्युनिसिपल कमेटियां च नहरां बेलदार सेम खालियां ते पक्के बेलदार सी, उस तरह इन्हां नूं पक्के कीता जावे। ये रेगुलरली डेली काम कर डेली इन्हां नूं काम दिता जावे तो रेगुलर करके इन्हां नूं घट तो घट भी 15,000 रुपया जिहड़ा अज दी महंगाई दे हिसाब नाल इन्हां नूं जिहड़ी आ तनखाह दित्ती जावे। इन्हां दा महंगाई भत्ता दिता जाए, इन्हां नूं DA दिता जाए। ये असी पंजाब दी सरकार तो सेंटर दी सरकार तो ये मंग करते हैं भी आ जिहड़ा इन्हां नूं पक्के कीता जाए तां कि आने वाला जिहड़ा साडा समाज है ये जिहड़ा बेरोजगार आ जिहड़ी देश दी सरकार कहिंदी आ कि देश तो बेरोजगारी खत्म करनी आ, जिहड़ी पंजाब दी सरकार कहिंदी है कि असी पंजाब चो बेरोजगारी खत्म करनी, असी कहने बेरोजगारी ता खत्म होएगी जिस तरह कांग्रेस की सरकार आई घर घर नौकरी आ लोग खड़े आ जिन्हों घर घर नौकरी चाहिए है। इन्हों का महंगाई भत्ता दिता जाए, इन्हों DA दिता जाए। ये असी पंजाब की सरकार तो सेंटर की सरकार तो ये मंग करते हैं। चोणा होणगियां ये समाज किसे पार्टी नूं वोट दे के राजा नहीं बनाऊगा। ये समाज अपना राजा पैदा करेगा। आ जिहड़े लोग आ बेरोजगार लोग खड़े है जिहड़े गरीबां दीआं धीआं पैणां बजुर्ग माता बजुर्ग बच्चे साडे बजुर्ग नौजवान बच्चे नौजवान धीआं खेतां दे विच काम कर रही हैं इहनूं बेरोजगारी कहिंदे आ ते इहनां नूं जिहड़ी आ सरकारी नौकरी दित्ती जावे तां घर घर नौकरी पूरे पंजाब दे अंदर मैं कहिंदा आजूगी। अगर इह पंजाब दी सरकार ना कर पाई ताए लोग ना जिन्होंने 10 साल राज कीता है अकाली दल ने, जिन्होंने मान के चलो जिन्होंने 70 साल राज कीता है ऐरकिया लोग किसी नू जिहड़ी आ पंजाब दा तख्त नहीं देणगे। पंजाब दा तख्त आ जिहड़ा ये पर बाबा साहब की सोच वाले लोगों नू देणगे, कंछी राम की सोच वाले लोगों नू देणगे, संत बाबा पूरन नाथ जी वाल्मीकि तीर्थ वाले
उन्हां दी सोच नाल उन्हां दी सोच वाले लोगों को ताकत देंगे, आप ताकत कब्ज होंगे, क्योंकि राज वोटां दा असी जिन्हों घर घर नौकरी चाहिए है ये लोग कोई 50,000 रुपया महीना नहीं मंगते, ये लोग मुलाजमान वांगू 60,000-60,000 रुपया महीना नहीं मंगते। अगर पंजाब की सरकार ने पंजाब चो बेरोजगारी खत्म करनी है और पंजाब की सरकार ने वादा पूरा करना है तो फिर आ जड़े लोग खड़े हैं नरेगा वाले इन्हों घर घर पक्की नौकरी दे देन, असी कहने 15,000 रुपया महीना दे देन तो पूरे पंजाब जड़ा घर घर नौकरी चली जाएगी। इस करके असी आए हाँ, अगर पंजाब की सरकार ये नहीं करती, इन्हों रेगुलर नहीं करती, पक्का नहीं करती, तो आने वाली जी 2022 की जंग चलेगी। तो मेरी बेनती है पंजाब की सरकार को कि इन्हों दसंबर महीने के विच पक्का किया जाए, वरना ये लोग लोटुआ वोट नहीं देंगे, अपना राजा पैदा करेंगे। तो मैं आदिवासी गुरु ज्ञान नाथ पूरन संघर्ष दल का सूबा प्रधान होने के नाते पूरे पंजाब के अंदर घूम रहा, तो 6 दसंबर असी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जोड़ा प्री निर्माण दिवस है, जोड़ा शहीदी दिहाड़ा है, वह असी फरीदकोट की धरती से मना रहे हैं कि जिन्होंने सानू ये वोट दिती है, जिन्होंने सानू ये राज दिता है, तो नहीं तो आने वाली 2022 पंजाब के राजे आ लोग होंगे अपना आपका राजा चुनगे। तो इस करके एक बार फिर मैं पंजाब की सरकार को अपील करना कि इन्हां लोगों की गल सुनी जाए, जिहड़े लोग खेतों के रुल रही नौजवान धियां भैणां बजुर्ग माता बजुर्ग प्यो ये छप्पड़ां चों गंद चकदे है, पर इन्हां नूं मैं बड़े पिंडां दे विच वेख्या, 3-3 महीने काम भी कर लिया पर साल साल हो गया पैसा अजे भी नहीं आया। इस करके मैं पिंड पिंड जिहड़ा जिथे भी काम चल रहा जिहड़े पिंडां च नहीं चलता उत्थे भी जा रहा, तो इस करके जा रहा भी लोगों जिहड़ा रेगुलर किया जाए, पक्की नौकरी दी जाए। असी कहने भी 50,000 नहीं 15,000 रुपया इन्हों पर महीना नौकरी दी जाए। तो जय भीम जय भारत, जो बोले सोनर पै, सतगुरु वाल्मीकि महाराज की जय।